नगर निगम में आयोजित परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष के 15 पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। आयोजित बैठक और भाजपा की बहुमत वाली परिषद से ही 15 पार्षदों का बाहर जाना चर्चा का विषय बन गया। भाजपा के पार्षदों के द्वारा बैठक का बहिष्कार करने पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे पर जमकर निशाना साधा है। महापौर ने कहा कि परिषद अध्यक्ष परिषद को नियम कानून अधिनियम के तहत नहीं चलाते, अपनी मनमानी से परिषद को चलाने का प्रयास करते हैं। परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सिर्फ जिस दिन बैठक होती है उस दिन के ही अध्यक्ष बनते हैं, जबकि उन्हें 45 पार्षदों ने चुना है। निष्पक्ष रूप से परिषद का संचालन करना चाहिए। महापौर ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में भाजपा में फूट है, उसी तरह अब रीवा नगर निगम के भाजपा पार्षदों के बीच भी आपसी फूट पड़ चुकी है। यही कारण है कि खुद भाजपा के पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि वह स्वयं मानते हैं कि 45 पार्षदों के महापौर हैं और सभी की समस्या एक जैसे सुनते हैं और चाहते हैं कि सभी पार्षदों के वार्डों का विकास हो और उन्हें बराबर सम्मान मिले, लेकिन भाजपा परिषद अध्यक्ष ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि भाजपा के 15 पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। सहयोग प्रदान किया जाए जिससे वो गिलहरी की भांति वार्ड के विकास के साथ साथ शहर के विकास में अपना योगदान दे सके। मेरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को कि जो शिल्पी कुंज की दुकान के पीछे तक नियंत्रण हेतु आरक्षित मूल्य कायम हुआ है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरा ये सुझाव है कि अगर इसमें जो प्रथम फ्लोर बस कायम हुआ है तो इसकी आप लोड बेयरिंग कैपेसिटी देख ले इंजीनियरिंग की गाइडलाइन पे कि क्या वो थर्ड फ्लोर तक जा सकती है। अगर थर्ड फ्लोर का बन कर रहे हैं तो उसमें सेकंड फ्लोर भी बन जाए, थर्ड फ्लोर भी बन जाए। जो परिसर में एक बार के लिए 3 करोड़ की आय हो रही है उससे नगर निगम को ज्यादा आय होगी और इस आय से शहर का विकास भी होगा। और जो परिसर में एक बार प्रस्ताव आया है दोबारा उस प्रस्ताव को बनाने की कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी, जिससे परिसर के लिए समय बचेगा और नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होगी। रीवा नगर निगम आत्मनिर्भर शहर बने इस दिशा में निगम आयुक्त को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बरसों से ठंडे बस्ते में पड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन के दिशा में त्वरित कार्रवाई की है और ये छत का प्रस्ताव लाए। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय MIC को जैसा प्रस्ताव गया था ऐसा आयुक्त के द्वारा प्रस्ताव आया था MIC में, हम लोगों ने निगम की आर्थिक दृष्टि को देखते हुए उसी तरह प्रस्ताव मंजूर कर दिया। आयुक्त के तकनीकी शाखा द्वारा इसमें कुछ संशोधन करके आयुक्त द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए परिषद में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने हमेशा बोला कि परिषद नियम कानून से चलता है, अधिनियम से चलता है। कभी अधिनियम से परिषद को चलाया नहीं। परिषद का संचालन अगर अधिनियम से और निष्पक्ष रूप से हो, क्योंकि वो जिस दिन परिषद का संचालन होता है उसी दिन के लिए वो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 45 पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बहुमत जिसकी होती है वो अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है भारतीय जनता पार्टी के दल से हैं वो अलग है, पर जिस दिन परिषद का संचालन हो उस दिन उनको निष्पक्ष रूप से 45 जो हमारे 44 जो पार्षद होते हैं एक उनको मिलाकर उनका उनकी सबको बातों को सुनना चाहिए। उन्होंने कभी स्वतंत्र मत से तो परिषद चलाया नहीं और उसी का ये नतीजा है कि धीरे 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 परिषद में ये इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई। नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ कोई पद नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के 15 हमारे यहाँ तो 16 तो सभी थे हमारे यहाँ के, उनके यहाँ 15 पार्षद नहीं थे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उनकी अनुपस्थिति ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी आपसी तालमेल सही नहीं है। जिस तरह प्रदेश में भाजपा में तालमेल नहीं बन रहा उसी तरह हमारे नगरीय निकाय में तालमेल सही नहीं है। हर पार्षद चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसके वार्डों में काम हो। हम तो देखिए 45 पार्षदों के बीच में अपने आप को ये मानते हैं कि रीवा की जनता ने महापौर चुना है और 45 के 45 वार्ड हमारे हैं, 45 पार्षद हैं, तो हमने तो हमेशा सम्मान दिया और आप ही लोगों ने छापा भी और ये नियम भी बनाया कि अपने वार्ड का भूमि पूजन लोकार्पण पार्षद स्वयं करेंगे 1 रुपए के 25 रुपए के नारियल के साथ। तो हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं है,
आज अगर 15% भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये एक प्रश्न है और ये उनके दल के लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आए, ऐसी कौन सी कमी थी, कौन से उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्यों दिक्कतें जा रही हैं। हम तो बिल्कुल, अगर हमसे मिलेंगे तो हमसे जब भी मिले तो हमने जो भी उन्होंने कहा हमने काम किया। एक निर्दलीय पार्षद ने आवाज़ उठाई तो उसको बाहर करने का रास्ता दिखाया गया, ऐसा क्यों होता? वो निर्दलीय पार्षद देखिए आवाज़ नहीं उठाती, वो न्यूसेंस क्रिएट करने की उनकी एक आदत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो अधिनियम में नियम है कि प्रश्न आपने लगाया उसको हमने ग्रह किया, महापौर को प्रश्न ग्रह करने का अधिकार है, अध्यक्ष को तो है ही नहीं। हमने प्रश्न ग्रह किया उसका उनको जवाब दे दिया गया। सवाल जो था वो सही है कि वृत्त जैसा आदमी और दरोगा की नौकरी कर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, उसका सवाल सही है, वो सवाल पूछने की जगह है ना, आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया, इसके बाद कमिश्नर हैं, महापौर हैं, उनको क्या है कि एक बीमारी है हाईलाइट होने की, और इस तरह की हरकत करती है, हर आदमी को चोर बोल देना, महापौर चोर है, पार्षद चोर है, तुम चमचे हो, ये किसी भी एक सम्मानित सदस्य के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करना नहीं है। मेरा तो इनका उनसे ये कहना है कि अपनी विचारधारा को सुधारें और नगर निगम के हित में काम करें। पार्षद हैं, सम्मानित हैं, सब कुछ है, पर हर जगह अब ये बोलना कि अधिनियम के विरुद्ध जाकर काम करना और अधिनियम के विरुद्ध बात करना, तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।